नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड न्यूज नेटवर्क पर, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हर खास खबर। आज हम बात करेंगे सभी के फेवरेट रियलिटी शो बिग बॉस 18 की, जो जल्द ही शुरू होने जा रहा है। शो के मेकर्स ने प्रोमो रिलीज कर दिया है और फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है। लेकिन हाल ही में कुछ बड़े सेलिब्रिटीज के शो से बैकआउट करने की खबरें सामने आई हैं। पहले धीरज धूपर और अब ऋत्विक धनजानी ने भी शो छोड़ने का फैसला किया है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार शो का हिस्सा कौन बनने वाला है। हाल ही में टीवी के मशहूर एक्टर धीरज धूपर ने शो से बैकआउट किया था। खबरें थीं कि उन्हें इस सीजन का हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बताया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने शो से नाम वापस ले लिया। अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और बड़े टीवी एक्टर ऋत्विक धनजानी ने भी शो में भाग लेने से इनकार कर दिया है। ऋत्विक के फैंस उन्हें बिग बॉस के घर में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उनके इस फैसले ने फैंस को थोड़ा निराश किया है। धीरज और ऋत्विक के शो छोड़ने के पीछे क्या कारण है, इस पर फिलहाल पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कहा जा रहा है कि शो में कई बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं, जिसकी वजह से इन एक्टर्स ने शायद अपनी जीत की संभावना कम होती देख शो से बैकआउट किया। अब बात करते हैं शो की प्रीमियर डेट की। बिग बॉस 18 का प्रीमियर 6 अक्टूबर से होने जा रहा है, जिसे आप कलर्स टीवी और जियो सिनेमा पर हर रात 9 बजे देख सकेंगे। इस बार शो में तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी एक झलक हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में भी देखने को मिली। और जैसा कि हर बार होता है, इस सीजन में भी सलमान खान शो को होस्ट करेंगे और हर वीकेंड पर वीकेंड का वार लेकर आएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक बार फिर से एंटरटेनमेंट से भरे इस शो को देखने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप भी बिग बॉस 18 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? कौन से सेलिब्रिटी को आप इस बार शो में देखना चाहते हैं? हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बिग बॉस और बॉलीवुड से जुड़ी हर ताज़ा खबर से जुड़े रहें। धन्यवाद।